नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रंग लाए सीएम योगी की अपील, मुस्लिम धर्मगुरु भी आए आगे। यूपी में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की परीक्षा में पास हुई योगी सरकार। ईदगाहों में हुई नमाज, नमाज के लिए मस्जिद व ईदगाह में जगह कम पड़ी तो अलग अलग शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। पहले बुलडोजर, फिर लाउड स्पीकर विवाद और अब ईद की नमाज में यूपी ने पेश की कानून व्यवस्था की मिसाल। प्रदेश में 33,000 स्थलों पर हुई ईद की नमाज, हर जगह कायम रही शांति और सौहार्द। देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। कहा, पूरे देश में अमन शांति और सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। ईद के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार सहित जिले के एसएसपी व एसपी सिटी ने भ्रमणशील रहकर सभी मस्जिदों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी लोगों को दी ईद की बधाई। भक्तों ने धूमधाम से मनाई भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती। पूर्व महापौर ने कहा, परशुराम भगवान से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में आगे बढ़कर अन्याय और अत्याचारों का ना दे साथ। अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के सभी आभूषणों के दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। नागरिकों ने सोना चांदी आभूषणों की जमके की खरीदारी। कहा, अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी का है विशेष महत्व, नहीं होता घर में धन धान्य की कमी। सपा के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई भगवान परशुराम की जयंती। कहा, परशुराम जयंती पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि समाज में भाईचारे के रिश्ते को करेंगे कायम। चार मई से 18 मई तक चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड पखवाड़ा। ग्राम एवं नगर पंचायतों में कैंप लगाकर बनवाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया जन्मोत्सव। कहा, भगवान परशुराम है भगवान विष्णु के छठवें अवतार, अभी भी धरती पर कर रहे हैं विचरण। अब खबरें विस्तार से। ईद उल फितर के पाक मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर इस बार पूरे प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था। नतीजन ईद की नमाज ईदगाह अथवा अन्य तयशुदा पारंपरिक स्थान पर ही हुई। कई क्षेत्रों में जहां मस्जिद और ईदगाह में जगह कम थी, वहां तो अलग अलग शिफ्ट में लोगों ने नमाज पढ़ी। पिछले वर्षों तक जहां 50,000 से 1,00,000 लोग सड़कों व अन्य स्थानों पर नमाज पढ़ते थे, वहां प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। ईद की नमाज सड़कों पर नहीं हुई। इससे पहले अलविदा की नमाज के समय भी ऐसे ही अभूतपूर्व स्थिति देखी गई थी, जब मुख्यमंत्री की अपील पर लोगों ने मस्जिदों में ही नमाज अदा की थी। यही नहीं, ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने से यूपी में जताई जा रही विवाद की आशंका भी निर्मूल साबित हुई। लोगों ने ईदगाहों में नमाज पढ़ी तो परशुराम जयंती पर विविध संगठनों ने शांतिपूर्ण आयोजन भी किए। प्रदेश के सभी 75 जिलों से हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाए जाने की सूचना है। वहीं राजस्थान के जोधपुर सहित देश के कुछ प्रांतों में ईद पर दो समुदायों के बीच हिंसा व तनाव की खबरें आई हैं। बीते दिनों सीएम योगी ने अधिकारियों को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने पर पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहने को कहा था।
साथ ही सड़क पर यातायात रोककर नमाज पढ़ने से सामान्य जन को होने वाली परेशानी का हवाला देते हुए इस बाबत धर्मगुरुओं से संवाद बनाने के लिए भी निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के प्रयास का सकारात्मक असर देखने को मिला और कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। सीएम के निर्देश पर एहतियातन यूपी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की थी। अनुमान के मुताबिक इस वर्ष प्रदेश में करीब 33,000 जगहों पर नमाज अदा की गई। इसमें 2,800 स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। बुलडोजर मॉडल और धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउडस्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की समस्या का आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की सराहना हो रही है। इन दिनों देश के विभिन्न प्रांतों में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच यूपी में सीएम योगी ने मंदिर मस्जिद सहित सभी धर्मस्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा। मथुरा सहित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर ने आगे बढ़कर इस आह्वान का समर्थन करते हुए लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया अथवा उतारा, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया और स्वप्रेरणा से मस्जिदों से भी अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर उतरने लगे। मंदिर हो या कि मस्जिद, नियम विरुद्ध लगे लाउडस्पीकर उतरने के दृश्य यूपी में आम हो चले हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया आम सहमति से हो रही है, कहीं से भी हिंसा विवाद जैसी अप्रिय घटनाओं की कोई खबर नहीं आई। सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता मानने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग लाने लगी है। शांति और सौहार्द के साथ धार्मिक आयोजन होना यूपी में एक परंपरा बनती जा रही है, तो योगी के कानून व्यवस्था ने अन्य राज्यों के सामने नजीर भी पेश किया है। बीती रामनवमी पर देश के कई राज्यों से हिंसा और उत्पात की अनेक घटनाएं हुई। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली तो शहर शहर बलवा और बवाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली और विवाद की एक भी घटना नहीं हुई। पूरे देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर ईद का पर्व मनाया गया। मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित हजरत मुबारक खान शहीद ईदगाह पर भी नमाज अदा की गई। ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ा त्यौहार होता है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद ईद उल फितर भाईचारे और अमन का पैगाम के साथ मनाया गया। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह के समय नमाज अदा करके एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिए। इस दिन मीठी सिवैयों के साथ विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ईद के दिन दान देना शुभ माना जाता है। गरीब, लाचार, असहाय लोगों को नमाजियों ने दान भी दिया। कहा जाता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देने से कई गुना अधिक सवाब मिलता है। नमाज अदा करने आए हुए नमाजियों ने बताया कि ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार होता है। रमज़ान के बाद आज खुशी का दिन है। आज के दिन दोस्त, रिश्तेदार और अपने लोगों के साथ मिलकर खुशी का इजहार करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। अपना हिंदुस्तान बीमारी से दूर रहे और पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाज अदा करने आए हुए नमाजियों ने कहा, अभी
रमजान मुबारक का महीना गुजरा الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آخرة ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ترى سمع الله لمن حمده الله أكبر जो बेरोजगार हो उनको बेरोजगार कर, जो बे औलाद हो उनको औलाद रमजान शरीफ ने जो कुछ किसी को शहरी कराई है, किसी को अवतार कराया है, किसी को चंगा दिया है, करो दिया है, इसमें कोई गलती हुई हो माओ। रमजान शरीफ ने जो कुछ हम लोगों ने अदा किया है, इस लायक तो नहीं है,
या अल्लाह अपने महबूब के वसीलों अरकान इस्लाम बुनियाद इस्लाम फराइज इस्लाम वाजिबात इस्लाम सुन्नत मंदूबात मुस्तहबात पर अमल करने की तौफीक अता सुन्नतों पर अमल समय खाने का त्यौहार है। क्या किए उठ गया नहाए धोए और अपने दोस्तों से मिले हम मिलेंगे अब नमाज के बाद जा रहे हैं। नमाज के बाद नाम अरहान खान है। रमजान में रोजा किया आप? यस जी मैं दो दिन का रोजा था। आज ईद है किस तरह का एंजॉय? बहुत अच्छा लगा आज कई दिन के बाद ईद आया है कई साल के बाद आज हमको अच्छा लगा है। नमाज भी पढ़ा आज नमाज भी किस तरह की दुआ करते हैं? अच्छा करते हैं या इतने दिन के बाद आइए ईद हम लोग अगले साल से भी रोजा रहेंगे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली। आज ईद है किस तरह से एंजॉय? हाँ बहुत अच्छे से अपने की सुबह उठते हैं इसमें जिस पहले खजूर खाते हैं फिर इमाम साहब यहाँ के बहुत अच्छी ईद की नमाज़ पढ़ाए हैं फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के एक दूसरे को गले मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए उत्तर प्रदेश के लिए पूरे गोरखपुर के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआ मांगे हैं और ना दंगा हो ना सब चीज़ शांति रहे अमन कायम रहे ये सब चीज़ की बहुत अच्छी दुआ मांगी गई है। यहाँ पर इस तरह की दुआ मांगी जाती है कि सब शांति रहे मुसलमान हिंदू सब एक रहें ना लड़ाई ना झगड़ा हो इस सब चीज़ की दुआ मांगी जाती है इन सब चीज़ों की। मोहम्मद जैद खान आज ईद का दिन है हम लोग 30 दिन का रोज़ा रहे थे आज यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करने आए थे खुशी का मौका है लोग आए हुए हैं। बोलो किस तरह की दुआ मांगी? हमने दुआ मांगा शांति की लोग सुख खुश रहें लोगों का आबाद रहें और लोग तरक्की करें लोग सब लोग सेहत सबकी अच्छी रहे। मुबशर आज हम यहाँ आए थे ईद की नमाज़ पढ़ने हमने ईद की नमाज़ अदा की मैं दुआ मांगता हूँ कि हम लोग सुख शांति रहें और खुश रहें 30 दिन का रमज़ान था अच्छा भी था। सलीम नाम है। ईद है खुशी का त्यौहार है रमज़ान के बाद खुशी का मौका है घर वालों के साथ फ्रेंड्स के साथ सबके साथ मिलजुल के खुशी मनाने का त्यौहार है तो काफ़ी अच्छा है। दुआ भी मांगी जाती है किसी? जी दुआ भी मांगी जाती है सबकी खुशहाली के लिए सब लोग अच्छे से रहें खुश रहें आबाद रहें बीमारियों से दूर रहें और अमन और शांति रहे एक रहें सब लोग सारे भाई यही है। दानिश महमूद खान आज ईद है और अल्लाह का वो है करम है बहुत ज़्यादा कि हम लोग को बहुत मतलब अच्छी ईद मिली यहाँ पर और बहुत ही समझिए कि वो मतलब ये शांति के साथ यहाँ पे ईद हो गई और करम अल्लाह का बहुत ज़्यादा कि हम लोग को पूरा रोज़ा भी मिला और ईद भी मिली और अल्लाह ने हम लोग को वो किया कबूल किया कबूल करें यही अल्लाह से। रमज़ान के दिन कैसे बीता? रमज़ान का दिन बहुत ही मतलब अच्छा बीता और बहुत ही समझिए कि वो बीता मतलब सुकून के साथ बीता और सब मिली जी फैसिलिटी मिली सरकार ने फैसिलिटी भी दिया हम लोग को जो भी देना था जी। दुआ में यही मांगी गई है कि मतलब अमन रहे चैन रहे मुल्क के अंदर देश के अंदर दुनिया के अंदर जो मतलब वो मतलब हो रही है जंगें हो रही हैं जंग ना हो अमन रहे शांति रहे जी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से रहे
जो मतलब जैसा वो बना है माहौल बना है वैसा माहौल ना हो, हम लोग पूरा मेल से रहें, हिंदू मुसलमान मेल से रहें, अमन में रहें। ईद पर एडीजी जोन अखिल कुमार सहित जिले के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारियों ने भ्रमणशील रहकर जिले के सभी मस्जिदों के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन स्थानीय धर्म गुरुओं के साथ संवाद करके ईद को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी व्यवस्था के साथ यह पावन पर्व सम्पन्न हो रहा है। सब लोग हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं, पुलिस भी उनके साथ खड़ी है और अच्छे ढंग से त्योहार को मनाया जा रहा है और शांतिपूर्वक ईद पर्व को संपन्न करवाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए पूरी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन स्थानीय धर्मगुरुओं के साथ संवाद करके अपनी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर रखी है। एक पावन पर्व है, सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, पुलिस भी उनके साथ खड़ी है और अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जी की जयंती पर भक्तों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित करके और विद्युत पूजा पाठ आरती करके धूमधाम से मनाया, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती है। आज ही के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान परशुराम जी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हमें परशुराम भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्र हित में आगे बढ़ करके अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ उनका साथ ना दे करके अपने अच्छाइयों को प्रस्तुत करें। इस अवसर पर हांसुपुर वार्ड के पार्षद संजय श्रीवास्तव, प्रेम कुशवाहा, राजीव शुक्ला, प्रकाश मिश्रा, रमेश वर्मा, सीमा महेश्वरी, कृष्ण मुरारी, अनुराग मजवार, राजेश पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, बोलिए परशुराम भगवान की जय, बोलिए परशुराम भगवान की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। हरम मुझे हरम सदा वंदन मेरे अरविंदे भवानी से नमः, भगवान मां मनसो जात चित्त सुजो यता कृतात् पाय से प्राण काले अग्नि रे जाय। जय भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय। और देखी बोलो ना को जन्ना को ठीक समारोह देख रहे हो।
आज अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का भी आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था और आज के दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है। आज उसी खुशी में यहाँ पे हासुपुर स्थित मूर्ति पर भगवान को हम लोग पुष्पार्चन कर रहे हैं, माल्यार्पण करके पूजा अर्चन कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सकल समाज यहाँ पे भगवान के शिक्षणों में नमन कर रहा है और ये हमें दर्शाता है कि भगवान परशुराम वह सभी के पालक हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। आपको हमारे पुराणों में भी दर्ज है कि उनके पिता को 21 बार अत्याचार के खिलाफ जब उनके पिता ने अपनी आवाज़ बुलाई उस समय अत्याचारी राजा ने 21 बार उनको उनके शरीर पे घाव करके उनका वध कर दिया था। तो उसी समय उन्होंने प्रण लिया था कि इसके कुल का समूचा नाश कर देंगे और 21 बार अत्याचारी अनाचारियों का सकल परिवार उन्होंने नष्ट किया था। बाद में उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान हनुमान जी स्वयं आए थे और सभी देवताओं ने उन्हें शांत किया था। उन्होंने कहा अत्याचारी के खिलाफ आवाज़ वास्तव में उठानी चाहिए, अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अन्यायियों का मन बढ़ता चला जाएगा और क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी बाधक होता है। तो हमें ये आज प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें राष्ट्रहित में आगे बढ़ के अन्यायियों के खिलाफ अत्याचारियों के खिलाफ और हम लोग उनका साथ न दे के उनके हम लोग अपनी न्याय जो हम लोग की अच्छाई है उन तक प्रस्तुत करें। और इसी के संकल्प के साथ मैं भगवान परशुराम से आप सभी के ढेर सारी शुभकामनाएं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वैश्विक महामारी करोना आप 2 साल देखिए भगवान का ही पूजन अर्चन नहीं हुआ तो ऐसी महामारी पुनः ना आवे और विश्व शांत रहे। कहीं भी जो युद्ध आज चल रहा है वो वहाँ शांत, सब जगह अमन चैन पहले, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रंग लाई सीएम योगी की अपील, मुस्लिम धर्मगुरु भी आए आगे। यूपी में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की परीक्षा में पास हुई योगी सरकार। ईदगाहों में हुई नमाज, नमाज के लिए मस्जिद व ईदगाह में जगह कम पड़ी तो अलग अलग शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। पहले बुलडोजर फिर लाउड स्पीकर विवाद और अब ईद की नमाज में यूपी ने पेश की कानून व्यवस्था की मिसाल। प्रदेश में 33,000 स्थलों पर हुई ईद की नमाज, हर जगह कायम रही शांति और सौहार्द। पूरे देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद, कहा पूरे देश में अमन शांति और सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। ईद के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार सहित जिले के एसएसपी व एसपी सिटी ने भ्रमणशील रहकर सभी मस्जिदों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी लोगों को दी ईद की बधाई। भक्तों ने धूमधाम से मनाई भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती। पूर्व महापौर ने कहा परशुराम भगवान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में आगे बढ़कर अन्याय और अत्याचारों का ना दे साथ। अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के सभी आभूषणों के दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। नागरिकों ने सोना चांदी आभूषणों की जमके की खरीदारी, कहा अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी का है विशेष महत्व, नहीं होता घर में धन धान्य की कमी। सपा के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई भगवान परशुराम की जयंती। कहा परशुराम जयंती पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि समाज में भाईचारे के रिश्ते को करेंगे कायम।
मई से 18 मई तक चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड पखवाड़ा। ग्राम एवं नगर पंचायतों में कैंप लगाकर बनवाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया जन्मोत्सव। कहा, भगवान परशुराम है भगवान विष्णु के छठवें अवतार, अभी भी धरती पर कर रहे हैं विचरण। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में अक्षय तृतीया के दिन सभी ज्वेलरी की दुकानों पर आभूषणों की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी रही। महिलाएं व पुरुष भारी संख्या में आभूषण के दुकानों में खरीदारी करते नजर आए। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इस दिन विधि विधान से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हमेशा के लिए और तृतीया का अर्थ है तीसरा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के मौके पर अगर कोई आभूषण खरीदा जाए तो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। इस दिन खरीदे गए आभूषण अक्षय रहते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से धन स्थिर रहता है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यह दिन आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। यही कारण है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मादेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आभूषण खरीदने आए महिलाएं परंपरा ज्वेलर्स के डायरेक्टर संजय कुमार एवं हरिप्रसाद गोपी कृष्ण ज्वेलर्स के डायरेक्टर अरुण सर्राफ और एस्प्रा ज्वेलर्स के डायरेक्टर अतुल सर्राफ ने कहा।
Thank you.
सारे मिला 39 ग्राम टोटल मिला के सर जी किनारे वाले दरबार में बॉक्स है उसी के बिल हाँ सीखा आजकल त्रिपाठी आज का दिन बहुत ही अच्छा है इसलिए हमने खरीदारी करने आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं ज्योति जलान श्याम जी आप लोग खरीदारी करने के लिए आए क्या करें खरीदारी करने आए और क्या कुछ मान्यता भी होती है मान्यता जरूर थी तो लेने आए हैं खरीदना चाहिए यही मानता है मेरा नाम संजय कुमार अग्रवाल है मैं परंपरा जैन फंड में डायरेक्टर हूँ पूर्व के सभी लोगों को और पूर्वांचल के और भारत के सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में ही मैं ईद की भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जैसा कि आप सबको पता है अक्षय तृतीया का त्यौहार में सोना चांदी और मेटल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है तो उसी प्रकार से जो हमारे कस्टमर हैं हम लोग की एक्सपेक्टेशन भी आज बहुत अच्छी है कि ईद भी है और अक्षय तृतीया भी और सारे सरकारी ऑफिसेज वगैरह सारे बंद चल रहे हैं तो इस वजह से हमारी सेल भी आज अच्छी होने की उम्मीद है और जो हमें दिखाई भी दे रही है कंट्री में सुबह से ही कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और लगातार परचेजिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं और हम लोगों ने भी कलेक्शन बड़े चुन चुन के मंगाए हुए हैं हम लोगों ने राजकोट है सूरत है दिल्ली है बॉम्बे है कोयम्बटूर है कलकत्ता है जयपुर है सभी जगह की ज्वेलरियों का कलेक्शन हमारे यहाँ मौजूद है और सारे बहुत लेटेस्ट डिजाइन जो सर गोरखपुर में कभी नहीं मिलते होंगे उस तरह का कलेक्शन हमने अपने यहाँ इकट्ठा किया है पिछले साल की तुलना में इस पर हम लोग को लगता है 30-40% सेल हमारी काफ़ी ज़्यादा जाएगी ऐसा हम लोग की एक्सपेक्टेशन है मैं अनूप सराफ हरिप्रसाद गोपी किशन सराफ एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स जी अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाज़ार में इतनी रौनक है अक्षय तृतीया को देख करके तो ये हमारी मान्यता है कि आज के दिन खरीदा हुआ सोना जेवर आभूषण साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपके घर में जाता है जिसमें कभी भी घटौती नहीं होती हमेशा बढ़ोतरी होती है इसका नाम ही अक्षय है और आज के दिन खरीदने का विशेष महत्व है ग्राहकों में भी बहुत रुझान है और सोने के दाम भी आज विशेष करके कल से 500-600 रुपये घटे हैं इस चीज़ का भी प्रभाव है तो आप देख सकते हैं कि शोरूम पे काफ़ी रौनक है और ग्राहकों को के मन में एक उत्साह है खरीदने का अतुल सराफ एशप्रस जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है अक्षय तृतीया आज के दिन जो भी खरीदारी की जाती है वो हमेशा के लिए रहती है साथ में अक्षय हो जाती है तो इस खरीदारी का बहुत महत्व है आज के दिन का और इस साल तो विशेष महत्व इसलिए होगा कि विगत 2 सालों से कोविड के कारण अक्षय तृतीया लोग मना नहीं पा रहे थे अब की बार लोगों को मौका मिला है लोगों में काफ़ी उत्साह है और सोने के दाम में भी जो लगातार तेज़ी आती रही है उसमें लोगों को निवेश पर एक अच्छा खासा फ़ायदा मिला है इसके भी कारण लोगों को काफ़ी रुझान है आभूषणों को खरीदने में हॉलमार्क ज्वेलरी है 100% बायबैक वाली तो वापसी में नुकसान भी नहीं जाता है ट्रांसपेरेंट है पक्के बिल के साथ मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें ग्राहकों को काफ़ी प्रभावित करती हैं और इसका असर दिख रहा है अब ये तो भीड़ भाड़ बहुत है ग्राहकों को गिन पाना तो संभव नहीं है लेकिन ईश्वर कृपा है ग्राहकों पे भी कृपा है कि ग्राहक आ रहे हैं धन्यवाद सपा के बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर भगवान परशुराम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में सभी सपा कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती मनाई जिसके संबंध में सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए त्याग और तपस्या से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले महाऋषि भगवान परशुराम की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामना देते हुए उन्होंने कहा कि आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है
सपा के लोग हमेशा भाईचारा के पक्षधर रहे हैं। सभी सपाइयों ने भगवान परशुराम के चरणों में शीश झुकाते हुए संकल्प लिया है कि भाईचारे के रिश्ते को कायम करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रहलाद यादव, अखिलेश यादव, जयप्रकाश यादव, शशिकांत दुबे, शिवाजी शुक्ल, अरविंद शुक्ल, राघवेंद्र तिवारी, राजू, नीरज शाही, अशोक चौधरी, मारुति पांडे, मुक्तिनाथ मिश्रा, मनोज पांडे, मनोज शुक्ला, पिंटू पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, उधर ही देखिए, उधर ही उधर देखिए भैया। जयंती मनाइए, क्या कहना चाहिए? जी, भगवान परशुराम जी की जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। आज ईद भी है, आज अक्षय तृतीया भी है। समाजवादी लोग हमेशा समाज में भाईचारा के पक्षधर रहे हैं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती पर उनके चरणों में शीश नवाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि समाज के इस भाईचारे को हम कायम करने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अक्षादित परिवारों के लिए 4 मई से 18 मई तक आयुष्मान कार्ड पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले के सभी लाभार्थियों की सूची ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए और आशा कार्यकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाए। अभियान के दौरान लगने वाले कैंप के बारे में आशा कार्यकर्ता लाभार्थी परिवार को सूचना देंगे और उन्हें कैंप स्थल तक ले जाएंगे और उनका आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे तथा सभी बीएलओ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 24% लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बन चुका है। ऐसे अभियान से लाभार्थियों के अधिक से अधिक कार्ड बनाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एक साल में प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा है जो भर्ती होने पर मिलती है। आयुष्मान कार्ड होने से भर्ती होकर इलाज करवाने में समय की बचत होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जो है सरकार से हम लोगों को निर्देश मिला है कि 4 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसकी थीम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आयुष्मान कार्ड बना दें, जिससे कि जो हमारी एक बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जो है 5,00,000 रुपए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष की सुविधा मिलती है, उसमें उसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बिना गोल्डन कार्ड के ये सुविधा नहीं मिलती है। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त आंकड़े हैं उनके अनुसार पूरे प्रदेश में लगभग 24% कार्ड ही बने हैं और अगर हम देखा जाए परिवारों की बात देखा जाए तो करीब 40.48% परिवारों के ही कार्ड बने हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में 4,48,706 परिवार हैं और जिसमें 20,05,807 बेनिफिशरीज़ हैं, जितना हमें गोल्डन कार्ड बनाना था, और इसमें हम अभी तक जो है 5,10,734 गोल्डन कार्ड बना चुके हैं और ये लगभग आता है 25.46%। अगर हम करें कि हमारी अगर स्थिति ये देखते हैं कि हमारे कितने बेनिफिशरी जो हैं प्रत्येक परिवारों में कितने कार्ड गोल्डन बन गए हैं तो वो करीब है 2,03,998 परिवारों में बन गया है। अगर हम इसको फैमिलीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये करीब 45.46% परिवारों में हमने गोल्डन कार्ड बना दिया है। तो इसी को करने के लिए सरकार ने एक कराया है कि गांव-गांव में जहां पर 50 गोल्डन कार्ड से ज़्यादा हैं वहां पर 2 बीएलईज़ की टीम लगाई जाएगी और जहां पर 50 से कम हैं
वहाँ पर जो है एक टीम लगाई जाएगी और प्रयास ये किया जाएगा कि हमारा गोल्डन कार्ड की जो टीम गांव-गांव में जाएगी वो जो है किसी राजकीय संस्थानों में, मतलब जैसे भवन में ही होगा, जैसे प्राइमरी स्कूल है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है या कोई भी जो इस तरह के हैं वहाँ पर लगाया जाएगा। और आशाओं को इसमें प्रोत्साहन के तौर पर अगर वो एक परिवार में एक कार्ड बनाती हैं तो 5 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरे परिवार का कार्ड बना देती हैं तो उनको 10 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार कार्ड बनाने में जो हमारे आयुष्मान मित्र लगेंगे या जो हमारे NHM के अन्य कर्मचारी लगाए जाएंगे उनको भी इसी प्रकार लाभ दिया जाएगा। 42 को सरकार के द्वारा जो है उनका नियत मान दे दिया जाता है। इसमें हम लोगों की रहेगा कि मतलब आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि जिससे आप लोग इस कार्यक्रम का बेहद प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों में जान जागरूकता आवे। पंचायत कर्मियों का योगदान लिया जाएगा और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों का योगदान लिया जाएगा कि आम जनवासियों को, गाँव वासियों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोल्डन कार्ड बनवाएं और गोल्डन कार्ड का लाभ उठावें। जैसा कि जानते हैं कि अपने जनपद में करीब 125 से ज़्यादा चिकित्सालय जो हैं गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं, जिसमें हमारे राजकीय चिकित्सालय भी हैं और प्राइवेट भी जो उच्च संस्थान हैं वो हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो लोग, जो लोग आयुष्मान कार्ड के धारक हैं वो उसका लाभ उठावें और जिन लोगों का 2011 की सह गणना में उनका नाम है वो लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप जो लग रहे हैं उन कैंपों में आवें। इसमें आवश्यक दस्तावेज जो हैं उनके आधार कार्ड होगा, उनका जो है राशन कार्ड होगा और फ़ोन नंबर, एक मोबाइल नंबर OTP के लिए होगा, वो लोग लेकर के आवें। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई असुविधा होती है तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, हम लोग हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड बना करके दे दें जिससे कि इस महत्वाकांक्षी योजना का सब लोग लाभ उठा सकें। देखिए आयुष्मान कार्ड जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना पर, वो इकोनॉमिक और जात के आधार पर गणना हुई थी, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें जो पोर्टल पर जो है UPHHID जिसका बना हुआ है उसी का कार्ड बन सकता है, इसके अलावा कार्ड और किसी का नहीं बनता है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया था, जो उत्तर प्रदेश में जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे उनका बनाने का हुआ था, उन लोगों के कुछ कार्ड बने हैं। और जो हमारे BPL कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनका बन रहा है और अभी इसके अलावा किसी का गोल्डन कार्ड नहीं बन सकता है। उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ और भी नए लोगों को सम्मिलित करने की, क्योंकि 2011 से लेकर अब तक काफ़ी परिवर्तन हो गया है, काफ़ी अमीर लोग तब के गरीब हो गए हैं, गरीब लोग अमीर हो चुके हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जा रहा। अभी लेकिन केवल उन्हीं का बनेगा जिनका 2011 की जनगणना में सैक डाटा, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है, उन्हीं को बनेगा और किसी का नहीं बन सकता। ई श्रम कार्ड का बनना शुरू हुआ है, उस पर भी कार्यवाही चल रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री व अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KC पांडे ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जन्म उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, वह अभी भी भगवान हनुमान अश्वत्थामा की तरह धरती पर विचरण कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, इसलिए हम सभी भगवान परशुराम के अवतरण दिवस को जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप पांडे, पंकज चतुर्वेदी, अविनाश त्रिपाठी, शिव प्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KC पांडे ने कहा, Thank you.
अमूल्य समय दिया है अपने आराध्य भगवान परशुराम जी को स्मरण करने इस सभागार में इकट्ठा हुए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, हम आपको बधाई देते हैं और विशेषतः हमारे जिला जनता संघ के पूर्व अध्यक्ष शासकीय पूर्व शासकीय अधिवक्ता माननीय रत्नेश्वर सुखले रोकेट जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश शुक्ला जी, आज मंच पर मौजूद सिविल कोड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और मनु पांडे लोकेट जी, हमारे गो सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने वाले गांधी जी की राह पर चलने वाले एकरा चलो के राह को अपना करके और समाज का कल्याण करने वाले परशुराम जयंती हर वर्ष अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल की जो तृतीया तिथि है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया इसलिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम का धरती पर अवतरण वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को हुआ था और अक्षय माने जिसका क्षय हो ही न। भगवान परशुराम जो है वह चिरंजीवी हैं, आज भी धरती पर सशरीर विचरण कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी हो, भगवान परशुराम हो, अश्वत्थामा हो, विभीषण हो, कृपाचार्य हो, ये सब लोग सशरीर कलयुग में भी धरती पर विचरण करने वाले लोग हैं। तो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, जैसे त्रेता में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार राम के समकालीन राम से पहले परशुराम आए थे, परशुराम का अवतार राम के पहले हुआ था। आज तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री परशुराम जी धरती पर अवतरित हुए थे और हम लोग भगवान परशुराम के इस अवतरण दिवस को जन्मोत्सव चूंकि सशरीर विचरण कर रहे हैं इसलिए जयंती नहीं महापुरुषों की मनाई जाती है। ये भगवान हमारे यहाँ आराध्य हैं, इनका जन्मोत्सव कार्यक्रम चलता है और जन्मोत्सव कार्यक्रम तो ये गोरखपुर में एक दिन का है, प्रदेश में तमाम जगहों को पूरे बैसाख भर चलता है जन्मोत्सव कार्यक्रम। पूरे बैसाख शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, जब बैसाख का अंत होता है तब समापन होता है उसका। तो इसलिए आज जन्मोत्सव कार्यक्रम में हमारे सभी लोग आए हुए हैं, हम आए हुए सारे लोगों का स्वागत करते हैं। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, ये ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है। ब्राह्मण की विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन ब्राह्मण अपने आराध्य के सवाल पर, अपने सिद्धांत के सवाल पर एकजुट है, एकजुट रहेगा, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। और आज आवश्यकता है कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के देश में जो सांस्कृतिक संस्कृति और संस्कृत दोनों पर हमला हो रहा है, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारे संस्कृत पर हमला, दोनों को बचाने का कार्य ये विशाल ब्राह्मण समाज करे। और आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि भगवान परशुराम की जयंती को पुनः सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, संस्कृत विषय को कक्षा 12 तक अनिवार्य घोषित किया जाए। ये सब हमारी मांग है जिस पर आज हम लोग गहन विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के उपरांत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा देश के ब्राह्मणों की एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे देश के हर प्रदेश में कार्यरत है। तो हम आज की जो रणनीति तय करेंगे उसके अनुसार आने वाले दिनों में हमारे संघर्ष की रूपरेखा बनेगी, जिससे हमारे समाज को दबाया जा रहा है जाति आरक्षण के नाम पर, वो दबाव खत्म हो, जो आरक्षण है, देश के आज़ादी का 75 साल व्यतीत हो गया,
आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। जो भी गरीब तबका है, किसी जात धर्म संप्रदाय का हो, उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रंग लाए सीएम योगी की अपील, मुस्लिम धर्म गुरु भी आए आगे। यूपी में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की परीक्षा में पास हुई योगी सरकार। ईदगाहों में हुई नमाज। नमाज के लिए मस्जिद व ईदगाह में जगह कम पड़ी तो अलग अलग शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। पहले बुलडोजर, फिर लाउड स्पीकर विवाद और अब ईद की नमाज में यूपी ने पेश की कानून व्यवस्था की मिसाल। प्रदेश में 33,000 स्थलों पर हुई ईद की नमाज। हर जगह कायम रही शांति और सौहार्द। पूरे देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। कहा, पूरे देश में अमन शांति और सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। ईद के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार सहित जिले के एसएसपी व एसपी सिटी ने भ्रमणशील रहकर सभी मस्जिदों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी लोगों को दी ईद की बधाई। भक्तों ने धूमधाम से मनाई भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती। पूर्व महापौर ने कहा, परशुराम भगवान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में आगे बढ़कर अन्याय और अत्याचारों का ना दे साथ। अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के सभी आभूषणों के दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। नागरिकों ने सोना चांदी आभूषणों की जमके की खरीदारी। कहा, अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी का है विशेष महत्व। नहीं होता घर में धन धान्य की कमी। सपा के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई भगवान परशुराम की जयंती। कहा, परशुराम जयंती पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि समाज में भाईचारे के रिश्ते को करेंगे कायम। चार मई से 18 मई तक चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड पखवाड़ा। ग्राम एवं नगर पंचायतों में कैंप लगाकर बनवाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया जन्मोत्सव। कहा, भगवान परशुराम है भगवान विष्णु के छठवें अवतार, अभी भी धरती पर कर रहे हैं विचरण। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।